क्या आप अपनी पसंद का घर खुद बनाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर में आपको वो कौन सी जगह मिलेगी जो अप्रोचेबल हो, डेवलपिंग हो, सुकून हो और सबसे ज़रूरी जहां पर लैंड अवेलेबल हो। तो आज प्रोजेक्ट रिव्यू में हम बात करेंगे ऐसे ही एक प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट की। हेलो एंड वेलकम टू MBTV, आई एम योर होस्ट रीना गौरव। प्रोजेक्ट रिव्यू में आज बात होगी प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट अशोक एस्टेट की। 20 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट दरअसल अनंतराज लिमिटेड की रेजिडेंशियल टाउनशिप अनंतराज एस्टेट का हिस्सा है। अनंतराज एस्टेट टाउनशिप गुरुग्राम के सेक्टर 63A में बेस्ड है और 180 एकड़ के एरिया पर डेवलप हो रही है। टाउनशिप की बात करें तो यहां पर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, विलास और प्लॉट्स मिल जाएंगे। साथ ही अनंतराज एस्टेट में 200 प्लॉट्स का डेवलपमेंट बिरला ग्रुप कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है बिरला नव्या। अशोक एस्टेट 20 एकड़ का प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पर कुल 320 प्लॉट्स हैं और इन प्लॉट्स की सेल दो फेजेस में होगी। अशोक एस्टेट दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आता है। प्रोजेक्ट साइट में हम मौजूद हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं वो दरअसल लेआउट है फेज वन का। हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ये है, ये 24 मीटर रोड है जिसके इस तरफ है फेज वन, जो कि मेरे पीछे है, जो फैला हुआ है 9 एकड़ में। अब हम आपको दिखाते हैं रोड के उस तरफ का एरिया जो कि फैला हुआ है 11 एकड़ में। 24 मीटर रोड के इस तरफ अब हम आ गए हैं, जहां पर है फेज टू, यानी कि 11 एकड़ का वो लैंड जहां पर आपको बाकी के प्लॉट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ इन प्लॉट्स के एक कॉर्नर में होगा कम्युनिटी सेंटर और एक कॉर्नर में होगा मॉल। प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान में आप देख सकते हैं कि 24 मीटर रोड के एक साइड है फेज वन और दूसरी साइड है फेज टू। अशोक एस्टेट में आपको कम्युनिटी फैसिलिटीज मिलेंगी और एक कॉर्नर पर कमर्शियल एरिया बनेगा। साथ ही आप मास्टर प्लान में देख सकते हैं कि इन सभी एरियाज को पार्क्स के लिए रिजर्व रखा गया है। फेज वन और फेज टू के लिए अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। फेज वन में कुल 165 प्लॉट्स हैं और ये सभी प्लॉट्स एक साइज 180 स्क्वायर यार्ड के हैं। साथ ही यहां पर आपको सेंटर में एक पार्क मिलेगा। फेस वन में आ रहे प्लॉट्स के लिए दो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ होम बायर्स ही नहीं बल्कि बिल्डर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिल्डर्स यहां पर प्लॉट्स खरीद के फ्लोर्स बना सकते हैं और फिर उन्हें इंडिपेंडेंट सेल कर सकते हैं। टाउनशिप के अंदर अशोक एस्टेट के लोकेशन की बात करें तो ये ब्लॉक ई के पास है, जहां पर फ्लोर्स रेडी हैं और यहां पर लोग रह रहे हैं और इसके पीछे आईरियो सिटी है। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो यहां पर डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान है, यानी कि आपको डाउन पेमेंट नहीं देनी होगी, बल्कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट साइट पर काम यानी सीवर लाइन, इलेक्ट्रिकल केबल, इंटरनल रोड्स का काम होता जाएगा, वैसे वैसे पेमेंट्स की डिमांड रेज की जाएगी। फिलहाल प्रोजेक्ट साइट पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, जिसके 3-4 महीने में खत्म होने की संभावना है। ऐसे में आप प्लॉट पर जनवरी 2023 में लोकल अथॉरिटीज से अप्रूवल्स के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट घर या फिर स्टिल्ट पार्किंग के साथ 3BHK के 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बना सकते हैं। अशोक एस्टेट एक प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसीलिए यहां पर आपको लिमिटेड फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे कि गेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जहां सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, सारी इलेक्ट्रिकल केबलिंग अंडरग्राउंड होगी और यहां पर आपको काफी सारा ग्रीन एरिया मिलेगा और यहां से अरावलीज का भी व्यू मिलेगा। अशोक एस्टेट में 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के लिए आपको 1,75,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड देने होंगे, जो कि प्लॉट का बेस प्राइस है। इसके अलावा प्लॉट की लोकेशन के हिसाब से PLC चार्जेस और बाकी चार्जेस अलग हैं।
सेकेंडरी सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर स्क्वायर यार्ड का रेट 1,55,000 से लेकर 1,75,000 तक है, जो डिपेंड करता है कि प्लॉट कहां लोकेटेड है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन की। प्रोजेक्ट का एक यूएसपी ये भी है कि ये सेक्टर 63A में लोकेटेड है, जो कि प्रीमियम डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट वर्कस्पेस के पास होने के साथ साथ शहर की भागम भाग से दूर भी है। अशोक एस्टेट गुरुग्राम के सेक्टर 63A में पड़ता है। सेक्टर 63A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के करीब होने की वजह से यहां कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। NH8 यहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अशोक एस्टेट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 23 किलोमीटर की दूरी पर है। नॉन पीक आवर्स में आपको वाया NH48 एयरपोर्ट पहुंचने में 40 मिनट का समय लगेगा। सेक्टर 56 रैपिड मेट्रो स्टेशन यहां से 4 किलोमीटर और हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन 9 किलोमीटर दूर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अशोक एस्टेट के पास गुरुग्राम के अच्छे स्कूल्स जैसे कि हेरिटेज स्कूल, स्कॉटिश हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है। मेडिकल फैसिलिटीज के नजरिए से भी प्रोजेक्ट के आसपास कई जाने माने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, आर्टेमिस हॉस्पिटल, मेदांता और फोर्टिस हॉस्पिटल 10 किलोमीटर के रेडियस में हैं। गुरुग्राम में हैंगआउट और शॉपिंग के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक वर्ल्ड मार्क यहां से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि पारस ट्रेड सेंटर 9 किलोमीटर और N3M मेरीना 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वाटिका बिजनेस पार्क, यूनिटेक साइबर पार्क, DLF 1 होराइजन सेंटर नियरेस्ट बिजनेस हब्स हैं। अब नजर डालते हैं डेवलपर के प्रोफाइल पर। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कंपनी अनंत राज लिमिटेड 1970 में एस्टैब्लिश हुई। डेवलपर का दावा है कि उन्होंने दिल्ली NCR में अभी तक 30,000 घर बनाए हैं। आपको बता दें कि अनंत राज लिमिटेड दिल्ली NCR के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर में से एक हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा लैंड बैंक भी इन्हीं के पास है। डेवलपर रियल एस्टेट के सभी वर्टिकल्स में एक्टिव हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल टाउनशिप्स, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल डेवलपमेंट्स, IT पार्क्स, मॉल्स एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, अफोर्डेबल हाउसिंग, डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस अपार्टमेंट्स, सभी में डेवलपर डील करते हैं। सर्विस अपार्टमेंट मानेसर, अनंत राज टेक पार्क मानेसर, होटल मैपल एक्सोटिका साउथ दिल्ली, अनंत राज आश्रय नीमराना डेवलपर के कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट अशोक एस्टेट की बात करें तो ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से महज 5 मिनट की दूरी पर है, जो गुरुग्राम का प्लांट डेवलपमेंट एरिया है, जहां रोड चौड़ी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है और यहां पर प्लांट कमर्शियल, रिटेल और रिक्रिएशन डेवलपमेंट है। सेक्टर 63A इसके आसपास काफी सारे अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एम्प्लॉयमेंट हब्स भी हैं। ये प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन आपको खुद कराना होगा या आप किसी बिल्डर से भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। मगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हाल के दिनों में काफी बढ़ गई है, तो आपको प्लॉट खरीदते वक्त ये कैलकुलेशन भी करना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको सोसाइटीज की तरह बाकी एमिनिटीज जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस नहीं मिलेंगी। आपको प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट अशोक एस्टेट का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आप दिल्ली NCR के बाकी आ रहे नए प्रोजेक्ट्स और उनके रिव्यू को मिस ना करें, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप MBTV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर होस्ट रीना गौरव साइनिंग ऑफ विद मनीष शर्मा।